गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम वसीम, योर असिस्टेंट टीचर फ्रॉम स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल। ओके, सो एज यू नो, आई टोल्ड यू दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, फ्रेंच रिवोल्यूशन। सो आई टोल्ड यू मैनी थिंग रिगार्डिंग दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड आई सेंट क्लास वर्क एंड होमवर्क ऑल्सो। ओके, यू विल हैव टू कम्प्लीट। ओके, दैट वॉज द एक्टिविटी। सो आई होप यू हैव स्टार्टेड टू राइट एंड सेंड इट टू मी। ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पेज नंबर 5, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि उन लोगों को अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा, स्ट्रगल करते संघर्ष करने को, सर्वाइव करते चलाने को। ठीक है ना, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। 23 मिलियन पॉपुलेशन थी 1715 में और 28 मिलियन हो गए 1789 के अंदर। दिस लीड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। अब जाहिर सी बात है, जब पॉपुलेशन फ्रांस की बढ़ेगी तो वहाँ पे जब पॉपुलेशन बढ़ गई तो खाने वालों की डिमांड बढ़ गई। इट मीन्स उन लोगों ने डिमांड ज़्यादा करना शुरू कर दी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। अब प्रोडक्शन इतना था नहीं, प्रोडक्शन इतना उत्पादन नहीं हो पा रहा था, तो जितनी डिमांड थी उसके हिसाब से प्रोडक्शन नहीं था। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। अब जो एक ब्रेड डिमांड थी सबकी, उसके प्राइस बढ़ गए बहुत तेज़ी से। सो मोस्ट वर्कर्स एम्प्लॉयड एज लेबर्स इन वर्कशॉप हुज ऑनर फिक्स्ड देयर वेजेस, बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइजेस। सो जितने भी काम करने वाले थे, कर्मचारी थे, मजदूर थे, उनके सारे जो उनके मालिक थे, उनके इन्होंने उनके वेजेस के थे मजदूरी को वो फिक्स कर रखा था। तो अब प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, उनकी मजदूरी है नहीं, उससे उनका सही से नहीं चल पा रहा था। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन। अब जो अमीर थे और गरीब थे उनके बीच में गैप और ज़्यादा बढ़ गया। थिंग्स बिकेम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हैव रिड्यूस द हार्वेस्ट। दिस लीड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अगर किसी साल सूखा पड़ गया, यू नो, और कहीं पर हेल, जैसे कहते हैं ओले पड़ गए, सूखा पड़ गया, तो फसल ख़राब हो गई, तो जिसकी वजह से प्राइस से और ज़्यादा बढ़ गए, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गई। क्या हो गई? सब्सिस्टेंस क्राइसिस, राइट। तो इसके बारे में आई होप क्लियर हो गया होगा। समथिंग दैट अकर फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइन। तो बस ये था कि ये कई बार हो चुका था। ये तो कॉमन सी बात थी कि सूखा पड़ जाना, कभी कुछ हो जाना, कभी बारिश पड़ जाना, ओले वाले, जिसकी वजह से फसल ख़राब हो जाती थी। तो ये समझ में आ गया कि फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी बहुत तेज़ी से बढ़ी, और उसके बाद जो वहाँ डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ गए, और प्राइस बढ़े तो लोगों की लाइफ जो है बर्बाद होना शुरू हो गई। अब है नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनवाइजेज एंड एंड टू द प्रिविलेजेस। तो यहाँ पर जो मिडिल क्लास के लोग थे वो अपने अधिकारों की उम्मीद करने लगे। जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने कहा हमें कुछ अधिकार चाहिए। ओके, और जो लोगों को एंड प्रिविलेजेस अधिकार मतलब मिलते थे, रॉयल टाइप के लोग थे, उन लोगों को ये सब प्रिविलेजेस मिलते थे, उनको ख़त्म करो। इन द पास्ट पीसेंट एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी। तो जैसे हमने बताया था कि प्राइस तो बढ़ चुके थे, टैक्सेस भी बढ़ चुके थे, तो इसके लिए उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। रिवोल्ट कहते हैं विद्रोह करने को। इट मीन्स यहाँ पे इन लोगों ने क्या करा, रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, फाइट करना शुरू कर दिया टैक्सेस के खिलाफ लोगों ने, किसानों ने। फूड स्कार्सिटी, काम खाने की कमी होने लगी। बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। यहाँ पे हम थोड़ा सा बाद में बता रहे हैं, ये पैराग्राफ सब रीड करके बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो जिस हिसाब से उन लोगों ने डिमांड करना शुरू करी कि हमें प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, बदलाव करिए सब कुछ प्रोग्राम में, मेजरमेंट में, तो इससे जो था चेंजेस आना शुरू हुए। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्पेरियस हैड एक्सेस टू डेडिकेट एंड न्यू आइडियाज़। क्योंकि ये वो लोग थे, तीसरे क्लास के लोग थे, जिनके अंदर पढ़ लिख कर एडुकेशन आने लगे थे, राइट।
तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो था एडुकेशन, जो मिडिल क्लास के लोग थे वो निकल के आना शुरू हुए, उन लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दी। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल क्लियर। इसी के पहले वाले पैराग्राफ में थोड़ी सी और पहली लाइन आएंगी, उसमें आ नहीं पाएंगे। द 18th सेंचुरी विटनेस द इमरजेंस ऑफ द सोशल ग्रुप एवर टर्न एज द मिडिल क्लास। तो ये 18th सेंचुरी गवाह है एक तरीके से सोशल ग्रुप जो था निकल कर आया, हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज द वूल एंड सिल्क टेक्सटाइल दैट वर ईदर एक्सपोर्टेड और बॉट बाई द रिचर मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पर 18th सेंचुरी में ये कह सकते हैं गवाही के तौर पर भी कह सकते हैं कि जो मिडिल क्लास के लोग थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा तरक्की करना शुरू करी, बिजनेस करना शुरू किया, ट्रेड किया और गुड्स को लेते थे, वूलन गुड्स ली, टेक्सटाइल सिल्क टेक्सटाइल से लिया, इस तरीके से लेना मतलब ख़रीदना शुरू किया, बड़े बड़े मतलब सोसाइटी वालों से ख़रीदना शुरू कर दिया। अब चाहो तो हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इन एडिशन मर्चेंट थे, व्यापारी थे एंड मैन्युफैक्चरर एंड द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशन सच एज़ अ लॉयर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। सो ऑल ऑफ दीज वर एडुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। तो जो पढ़े लिखे लोग थे, काबिल लोग थे, इन लोगों ने, जो वकील थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, तो इन लोगों ने ये कहना शुरू किया कि कोई भी बाय बर्थ कोई चीज़ नहीं है, राइट, कोई बाय बर्थ नहीं होना चाहिए कि हमें तो बर्थ से ही मिला है। ऑल दीज वर एडुकेटेड, इन लोगों का मानना था कि सोसाइटी में सब लोग जो बराबर हैं, रादर अ पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन देयर मेरिट्स। तो उनका जितना जो जिसके अंदर टैलेंट हो, मेरिट्स हो, उसके अकॉर्डिंग उसको मिलना चाहिए, राइट। तो उन लोगों ने ये मानना शुरू किया। इसमें एक और भी आया, दीज आइडियाज़ एनवाइसेजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर सच एज जॉन लॉक एंड जेन जियो जैकबियो रूसो। तो ये आइडियाज़, क्योंकि इन आइडियाज़ को फॉलो किया गया था इनके, ठीक है ना, कि ये लोग भी यही चाहते थे। फिलोसोफर थे जॉन लॉक थे और ये जो जैको रूसो थे, इन लोगों के आइडियाज़ को भी फॉलो किया गया। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। क्योंकि इन लोगों ने भी, जो दो ऐसे राइटर थे, इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सोसाइटी में जो मोनार्क था उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। इन्होंने भी उनके राइट्स को मना कर दिया था कि मोनार्की सिस्टम नहीं होना चाहिए। जो रूसो ने भी करा, रूसो फिर आ गए, राइट, इन्होंने भी क्या करा, रूसो ने भी यही बताया गया। तो हम देख सकते हैं कि रूसो ने क्या करा था, एक बुक भी लिखी थी कि रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड। बाकी तो मिडिल क्लास के लोग कर ही रहे थे, तो बाकी फिलोसोफर आ गए, इन लोगों ने भी डिस्कस किया, उसके बाद रूसो ने भी अपने जो आइडियाज़ थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इसमें इन्होंने मेंशन भी किया था कि इन्होंने बहुत आगे बढ़ाए थे। ये रूसो ने तो लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी थी, फिर आ गए इसके बाद हम बात करते हैं कि रूसो कैरिड आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। का जो गवर्नमेंट बनना चाहिए लोगों के थ्रू बनना चाहिए, ठीक है ना, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके थ्रू बनना चाहिए, लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। फिर द इन द स्पिरिट ऑफ द लॉस मॉन्टेस्क्यू प्रपोज्ड डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीन ऑर्गन्स होती हैं गवर्नमेंट की, क्या होती हैं, तीन ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनको याद कर लीजिएगा, गवर्नमेंट इनके अकॉर्डिंग बनना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू आ गया, इन्होंने ये रख दिया। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इन टू फोर्स इन द USA, तो USA के अंदर ये रखा भी गया, ठीक है। आफ्टर 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, तो इस तरीके से क्योंकि सब लोगों की डिमांडें शुरू हो गई, तो इसलिए ब्रिटेन से तीन कलोनियाँ तो वैसे ही आज़ाद हो गई थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें देखी गई, और द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वॉज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस। अब लोगों, जो अमेरिकन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसमें गारंटी दी गई कि सब लोगों को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फ्रांस में जितने भी पॉलिटिकल थिंकर आए, उन लोगों ने भी यही माना कि हाँ, कि राइट टू अधिकार जो है वो मिलना ही चाहिए। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल टिल हियर। लास्ट पैराग्राफ इसका और है, इसको भी आप देख लेगा, ओके।